एक न एक खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। भारत देश में महिलाओं का सर्वप्रथम स्थान होते हुए महिलाओं की सुरक्षा में अनदेखी के चलते अधिकांश महिलाएं अपनी पीड़ा में इतनी ग्रस्त हैं कि ऐसी ही एक महिला उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद की 15 नंबर गली में पति के अचानक घर से गायब होने पर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार काल्पनिक नाम गुलफशा नामक एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ महिला से जब मीडिया द्वारा जानकारी करने पर उसने अपनी आपबीती पीड़ादायक आपबीती में जो अपना दर्द बयां किया वो इस तरह है कि गुलफशा ने रोते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहा कि पिछले 1.5 वर्ष पूर्व मुस्तफाबाद हमारे घर के कुछ दूर वाली गली का एक लड़का मोहसिन उर्फ भोला पुत्र बाबू अलवी जो आरोपी है मुझे बहला फुसला कर अपने घर ले गया। घर में मेरे आने पर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। जैसे ही दिल्ली में दंगे हुए उस परिवार के 2 लड़कों की मौत हो गई। 3 में से 1 जो 3 बचे हैं कुल टोटल 5 भाई थे तो 3 में से 1 मेरे पति हैं। आए दिन जो पति के 2 और भाई हैं कि मारपीट की खबरें आने लगीं और मुझे सब लोग आकर उनकी शिकायतें करने लगे। लेकिन परिवार वाले खुशी के साथ मुझे रखते थे। अचानक एक दिन मुझे किसी पारिवारिक साजिश के चलते मुझे किराए के घर में रहने को मजबूर कर दिया गया। उसी साजिश के चलते मोहसिन 24 अगस्त 2020 को मुझे कमरे में सोता छोड़कर कहीं चला गया, जिससे तलाशने के बाद मैं पुलिस स्टेशन दयालपुर में जाकर अपने पति मोहसिन की गुमशुदी की तहरीर लिखवाई और ससुराल वालों को जब ये बात बताई तो वो मुझे मारने पीटने लगे और कहने लगे कि हमने उसे घर से बेदखल कर दिया, जबकि उसके मेरे पति के अलावा जो 2 और बेटे हैं वो नशे के आदि हैं, उनको घर से बेदखल नहीं किया। मैंने जब ये सूचना पुलिस को दी तो पुलिस वालों ने इंसाफ दिलाने के बजाय मुझे ये कहकर टाल दिया कि 100-200 रुपये मुझसे ले लो और बिना कार्रवाई के अपने घर चले जाओ। इस पर मैंने पुलिस वालों से कहा कि उल्टे आप मुझ अभागिन से 2000 रुपये ले लो और मेरे पति को ढूंढ कर लाकर मुझे दे दो। इस पर उन्होंने मेरी अनसुनी कर दी और मेरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता अपने पति को तलाशने व अपनी मासूम बेटी के इंसाफ के लिए थाने के चक्कर व दर दर की ठोकरें खा रही है। अपने आप तो भूखी रहती ही है, बेटी को दूध के पैसे न होने के पर भूख से तड़प तड़प कर मार रही है और पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? एक FIR हुई है आपके हस्बैंड के नाम कि वो गुमशुदा है, क्या मामला था? मेरा नाम सर गुलफ़्शा है। अभी कुछ दिन पहले से मेरा हस्बैंड घर से गायब है। आपस में हमारा ऐसी झगड़ा हो गया था काम के ऊपर, जब ही से वो गए हैं 24 अगस्त के बाद से वो घर नहीं आया वापस लौट के। 2018 में मेरी शादी उनके साथ हुई थी, मैं उनके साथ लोनी में भी रही थी, वहाँ पे मेरे ससुराल वाले भी मेरे साथ रहे थे, बहुत इज्जतदार से रह रहे थे, मतलब मेरे साथ सब लोग। फिर मुझे यहाँ ला के रखा गया। सर मैं उसी घर की बहू हूँ जिस घर में 2 बेटे भी एक साथ दंगे में ख़त्म हुए हैं और मैं
उसी घर के छोटे भाई के छोटे लड़के की बहू हूँ। लेकिन सर वो अब उस लड़के से कहते हैं कि हम तुझे बेदखल दिखा देंगे, इससे छुट छुटाव कर ले, और जब इससे छुट छुटाव हो जाएगा हम तुझे अपने घर में रख लेंगे। सर वो ऐसा बर्ताव करवाते हैं अपने लड़के से और मेरे को भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर मैं सर उनसे पूछने जाती हूँ कि आपके लड़का घर से गायब है, आपको पता है इस बारे में, तो मुझसे कहते हैं अब तो आ गई, अब की बार मत आना वरना धक्के दे के भगा देंगे। अच्छा, सर मैं आपकी जो शादी हुई है जी सर, इससे मोहसिन से कैसे हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, मतलब आपने आपस में जी माँ बाप से के खिलाफ जाके करी थी शादी। आपके पिताजी क्या है? सर मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो समाज में जीने वाले आदमी हैं, बहुत इज्जतदार आदमी हैं। मोहसिन कब से गायब है? सर 24 अगस्त से गायब है वो घर से। आपने थाने में मैंने सर कंप्लेंट की थी, मेरे से आईओ आके मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हमने तुम्हारे ससुर से बात करी है। ससुर से बात करने के बाद मुझसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं। मैंने कहा सर मैं भी चलती हूँ, तो कहने लगे कि नहीं हम अकेले जा रहे हैं और वहाँ से आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे। सर मुझसे आगे कहते हैं 150 रुपये खर्चे के लिए चाहिए तो ले लो, इसके आगे कार्रवाई नहीं करेंगे हम। मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि बस हमने बता दिया जितना हमें बताना था। मैंने कहा सर मेरा हस्बैंड मुझे लाके वापस दे दो, सर 200 तो मैं तुम्हें खुद ही दे दूँगी। सर एक बेटे को तो उन्होंने बेदखल कर बताते हैं कि हमने बेदखल कर रखा है। सर जब एक बेटे को बेदखल कर सकते हो, तुम घर में दो बेटे और भी तो गलत काम करते हैं, आप उन्हें उनको क्यों नहीं आपने बेदखल करा? सर मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो आपको शादी के बाद से ही किराए पे रखा गया है या आप बाद में आइए? जी सर मैं शादी से पहले से ही किराए पे रखी हूँ। किराए पे रखा था? जी सर। आईओ का नाम क्या है जो आप? आईओ का नाम हीरा लाल आईओ है, जो इस चीज की चीजें बोल रहा था कि 50 रुपए ले लो। जी 150 रुपए ले लो, आईओ का नाम है हीरा लाल। कौन से थाने में पड़ता है? सर ये दयालपुर थाने में पड़ता है। एफआईआर हो गई थी? जी नहीं सर, एफआईआर मेरी कल हुई है। कल यानी उसमें 5 सितंबर में? जी सर, उससे पहले मेरी कोई एफआईआर नहीं हुई। और सर मुझसे इतने सारे फोटो मांगते हैं, 8 फोटो तो 9x12 के मांग रहे हैं और 10 फोटो 4x12 के मांग रहे हैं। मेरे हस्बैंड मोहसिन के। सर दिखाना फोटो। सर ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा, क्या करते थे? सर ये बेलदारी कर रहे हैं, अब तो बाबू डीलर के यहाँ पे, पर सर अभी तक घर नहीं आया। मैंने आप बताया गया कि 2500 रुपये महीना रह रहे हैं इस किराए। जी सर। कब से रह रहे हो इस मकान में? सर मुझे इस 15 तारीख से 2 महीने हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद? जी सर। इसके बाद जो आप जाते हैं अपने ससुराल में, ससुर के यहाँ? जी सर। सासू के यहाँ पता करने के लिए कि जी मोहसिन के बारे में पूछने के लिए, तो वे क्या बोलते हैं? सर ये मेरी कंप्लेंट हुई है, रात हुई थी ये कंप्लेंट मेरी। सर मैं वहाँ पे पता करने भी जाती हूँ तो मुझे धक्के मार के वापस भगा देते हैं। एक मेरी नंद है नगमा नाम की, और मेरी सास है, सास का नाम असगर ही है, और ससुर का नाम बाबू खा है। सर ना ही वो अपने लड़के को ढूंढ रहे हैं, ना ही कोई खोज कर रहे हैं अपने लड़के की। सर ऐसे में बताइए मैं कहाँ जाऊँ, मुझे पड़ोसी भी कितना देख लेंगे। आपकी छोटी बच्ची है कितने महीने की? सर मेरी बच्ची 1.25 साल की है, वो बाहर का दूध भी पीती है। सर उसका खर्चा वगैरह कैसे कैसे क्या होगा? सर बस मैं कैसे कर रही हूँ उसका खर्चा ये मैं ही जानती हूँ। सर मुझे मेरी ससुराल से भी कोई देखने नहीं आया जब से मेरे हस्बैंड गए हैं, ना ही मुझसे एक बार भी ये पूछना है कि पता चला या नहीं चला, या तुम बच्ची को दूध कैसे पिला रही हो, तुम्हें खाने का कैसे हो रहा है। सर मेरे साथ पास कोई नहीं आया, मेरा देवर जेठ जिठानी कोई नहीं आया। सर बताइए मैं ऐसे में कहाँ जाऊँ, क्या हो जाए? सर मैं अपनी बच्ची को दूध भी नहीं पिला पाती हूँ, मैं कई कई दिन तक भूखी रह जाती हूँ, मैं अपनी बच्ची को दूध भी कैसे पिलाऊँ? सर दुकान से भी अब उधार देने के लिए मना कर दिया कि तू कहाँ से ला के देगी वापस पैसे में। मीडिया के जरिए क्या चाहती हैं? सर मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड को ढूंढा जाए, मेरे साथ पुलिस भी अब खड़ी नहीं हो रही है। सर पता नहीं ऐसा क्या करते हैं वो लोग, उनके घर से वापस आने के बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। तो आप क्या चाहती है, वापस घर में जाना चाहती हैं? सर मैं वापस घर में जाना चाहती हूँ, पर वो लोग मुझे नहीं रखते। ठीक है।